दुनिया में आपको सबसे अच्छी चीज बच्चों के रूप में मिलती है। मॉम और डैड को अपनी बेटियों से बहुत प्यार है, हालांकि वो कभी कभी कुछ चौंकाने वाली चीजें करती है। आपकी बेटी फिर से स्कूल में बैट ले आई, ये आखिरी वार्निंग है, नहीं तो एबी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। ये कैसी शैतान है, मदद करो, इमरजेंसी है, मेरा नेल टूट गया। हाँ हाँ, आप इस परिवार को देखकर बोर नहीं हो सकते, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। एबी मेरी नकल कर रही है, बस रुक जाओ। लगता है पेरेंट्स का सब्र खत्म होता जा रहा है। हाय सभी को, मैं मेव का नया बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे ये फ्रैंकी है, बहुत प्यारा है। बहुत हुआ, हमने काफी झेल लिया, हम वेकेशन पर जा रहे हैं, पर हमारा क्या, हमें यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। पेरेंट्स का फैसला पक्का लगता है। नहीं, अब हम क्या करें, धक्का मत दो, ये सब तुम्हारी गलती है। आखिरकार हम रिलैक्स कर सकते हैं। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, हमारी ट्रिपलेट्स को बेबी सिटर की जरूरत है, चलो काम पर लग जाएं। अपनी नई बेबी सिटर से मिलना बहुत मजेदार होता है, और जब वो एक टीचर हो तो और भी ज्यादा। मैं मिसेस मेबल हूँ। हाँ, उसे नहीं पता कि वो किस से पंगा ले रही है। जल्दी करो, हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। आपकी मनपसंद बुक कौन सी है, जेंगा खेलना पसंद है, आप कौन सी लिपस्टिक लगाती है, स्पॉटलाइट करें। डरिए मत, दर्द नहीं होगा। लगता तो नहीं, क्यों ना बुक पढ़े। ओह, मैं भूल गई थी, फ्रैंकी से मिलिए, ये तो स्केलेटन है, चलो थोड़ा मजा करें। क्यों ना पिनाटा से खेले, बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। और हाँ, मैं जा रही हूँ। हे, बेड टाइम स्टोरी का क्या होगा, वो बहुत नाजुक थी। लगता है पेरेंट्स का प्लान बहुत बुरी तरह से फेल हो गया, पर मॉम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगी। हमें हाई लेवल के डिसिप्लिन वाली बेबी सिटर चाहिए। हाँ, मेरा मिडल नेम ही डिसिप्लिन है। पेरेंट्स के बिना रहने के अपने अलग फायदे भी है, जैसे कि जो चाहे वो खा सकते हैं। अटेंशन एवरीवन, मैं तुम्हारी नई फिटनेस नानी हूँ। क्या सच में, चलो तुम से शुरू करें। मार्शमेलो, अब से घर में कोई कैंडी नहीं, पर ये गलत है। ये बात तुम पर भी लागू होती है यंग लेडी, कोई चिप्स नहीं, समझी। तो जंग शुरू होती है, यहाँ केक नहीं चलेगा, उसके बजाय ये लो। अपने आप को समझती क्या है, खुद पंगा ले रही है। बातें बंद, सौ स्क्वाट्स, जल्दी लोअर लोअर। हाँ, रुकना नहीं। अच्छा तो अब सब जॉग पर चलो, 1 2 3 4। एथलेटिक नानी बहनों को आराम नहीं करने देगी। अपने पोजीशंस लो, तैयार हो। याद रखना बच्चों, स्पोर्ट्स ही जिंदगी है। सही कहा, स्पोर्ट्स ही जिंदगी है। मुझे तुम्हारी हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही। 1 2 1 गो गो गो। आ, मेरे भगवान, मॉडेस्ट काली पहचान में भी नहीं आ रही। चलो शुरू करें। वो हो, आराम से। और सैसी एबी को बात माननी बिल्कुल नहीं आती। हे, तुम वर्कआउट क्यों नहीं कर रही, चलो करो। अच्छा ठीक है बहनों, इमरजेंसी मीटिंग, ये है प्लान, मुझे जाने दो। बस हो गया, ग्रीन ट्रिपलेट से उलझने का नतीजा जान जाओगी। हाँ, लगता है किसी की नौकरी चली गई। घर पर चीजें बिगड़ती जा रही है, नई नानी ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है, पर लगता है डांट की नजर में कोई है। तुम कर सकते हो ना, बहुत खूब। बेबी सिटर जैक बहुत क्यूट है, वो इन जिद्दी ट्रिपलेट्स को जरूर संभाल लेगा। हाय गर्ल्स, मैं तुम्हारा नया बेबी सिटर हूँ, और हाँ, हैंडसम भी हूँ। एक मिनट, अरे वाह, रियल हॉटी, ये लड़का तो स्टार है। ट्रिपलेट्स को पहली नजर में ही प्यार हो गया। हाँ हाँ, तुम मेरी तारीफ कर सकती हो, मैं काइली हूँ, मिलकर अच्छा लगा। वाओ, रियल जेंटलमैन। चलो आओ, हमें अपने बारे में बताओ जितना हो सके। ये क्या है, अब
बेहतर है। विश्वास नहीं होता, इतनी धूल। कहा हम सब साफ कर देंगे। मुझे धूल से एलर्जी है। इस जगह की अभी सफाई कर दो। तुम्हारे जैसे लड़के के लिए कुछ भी। वैसे भी मुझे सफाई करना बहुत पसंद है। रिफ्रेशिंग ड्रिंक लोगे? अब होमवर्क करने का वक्त है। अभी केमिस्ट्री करेगी और काइली हिस्ट्री। ओह जैक, तुम जो कहोगे मैं करूँगी। गर्ल्स, वक्त पूरा हो गया, अब अपने पेपर्स दिखाओ। दिखाना क्या लिखा है तुमने? जैक मेरा क्रश है। लगता है यहाँ लड़ाई शुरू हो गई। इन बहनों ने आज से पहले किसी चीज के लिए आपस में इतनी लड़ाई नहीं की। बचाओ, रुक जाओ। तुमने मेरे क्रश से प्यार करने की हिम्मत कैसे की? ये लो, बस कर दो। मैं ये नहीं झेल सकता, मुझे शांति चाहिए। वाह, बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट था। मिस्टर और मिसेस ग्रीन को बिल्कुल आराम नहीं मिल पा रहा। हम इन लिटिल मॉन्स्टर्स का क्या करें? ग्रैनी पेनी को बच्चों को पालना बहुत अच्छे से आता है। हेलो, ये तो रिमोट कंट्रोल है। ओह, फिर से नहीं। पेनी, हमें अभी इसी वक्त आपकी मदद चाहिए। क्यों नहीं हनी, मैं संभाल लूंगी। आज लंच में क्या खाएंगे? सीरियल के बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छा आइडिया है। ओह, इसे कितने समय से किसी ने नहीं खोला। वाओ, देखो कौन आया है। बूढ़ी बेबी सिटर, ये हमें पक्का फेरी टेल सुनाएंगी। अरे मेरी बच्चियों, बैठो, मैं तुम्हें टेस्टी नाश्ता कराती हूँ। ओह हाँ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। मैंने सबसे हेल्दी डिश बनाई है। ओटमील? क्या सच में? खाओ बच्चों, ताकत बढ़ाओ। ये क्या? ये तुम्हारे लिए काली। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं। ऐसे एक मॉमी का, एक डैडी का। बहनें ये सब नहीं झेलेंगी, पर ग्रैंडमा पेनी इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। खाओ, खाओ, मजेदार है। जब तक पूरा खत्म नहीं करोगे तब तक टेबल से नहीं उठना। ह्यूस्टन, कुछ हो रहा है? क्या हुआ मेरे गले में कुछ अटक रहा है? ग्रैंडमा मदद करने आ रही है। लो पानी पियो, अच्छा रहेगा। ओह शुक्रिया, ये आपके डेंचर्स हैं? मेरे हैं, कभी कभी हो जाता है। ये भुलाया नहीं जाएगा। जब तक ग्रैंडमा का ध्यान नहीं है हमें प्लान बनाना होगा। हम इस ओल्ड लेडी को घर से बाहर कैसे करें? यूरेका, यही मौका है। सो जाओ ग्रैंडमा, स्वीट ड्रीम्स। चलो करें। कितना अच्छा सपना है। हाँ? सपना नहीं है। बचाओ, मैं यहाँ कैसे आई? बेबी सिटर की जरूरत है। अरे मुझे इसी की तो जरूरत है। बोंजोर गर्ल्स, मैं तुम्हारी नई बेबी सिटर हूँ। मुझे विश्वास है हम घुल मिल जाएंगे। मुझे इसमें कुछ अजीब लग रहा है। सबसे पहले तुम्हें स्नैक खाना चाहिए। चेरीज कैसी रहेंगी? वाओ, बहुत खूब, मुझे अच्छी लग रही है। पर अभी भी कुछ गड़बड़ है। तुम्हारा चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। क्यों नहीं लगेगा? मैं टूथपेस्ट कमर्शियल में आई थी। पर सिर्फ इतना ही नहीं, ये तुम्हारे गिफ्ट्स। उम्मीद नहीं थी, क्या बात है। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती पर मुझे खुशी हुई। मर्सी, और अब मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी, तो आराम से बैठ जाओ। एक बार एक बहुत दूर के किंगडम में एक प्रिंसेस रहती थी। वो बिल्कुल नॉर्मल थी और किंगडम में कुछ दिलचस्प नहीं हुआ। कितनी अच्छी कहानी है। हाँ, और फिर प्रिंसेस, आखिरकार चलो काम पर लगा जाए। वाओ, प्यारी नानी चोर निकली। चलो देखे, इसी की तो तलाश थी। मेरे पास आओ। हो गया, अब अपने सबूत मिटाने होंगे। हाँ, यहाँ क्या चल रहा है? उठो, चोरी हो रही है। हे, तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छे इंसान का नाटक करते हुए। गर्ल्स, हमला। कैसा लगा चोर? तुमने खुद पंगा लिया। बहुत हुआ, मैं हार मानती हूँ।
मैंने कहा था ये विश्वास लायक नहीं है। ऑफिसर, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। मैं बेबी सिटर्स यूनियन में कंप्लेन करूंगी। ये अब चीटर को अपने किए की सजा मिलेगी। वैसे मुझे उसकी याद आएगी। पेरेंट्स को अपने शैतान ट्रिपलेट्स की बहुत याद आ रही है। हनी, अब हमें शायद घर चलना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बोरिंग। सही कहा। ओह, मोमो डैड है। डार्लिंग्स, हम घर आ रहे हैं। मुझे उनसे गले मिलने का इंतजार नहीं हो रहा। सुनो सब, आज पेरेंट्स वापस आ रहे हैं। चलो घर को साफ और सुंदर बनाएं। काली, ग्लिटर का इस्तेमाल मत करो। सफाई पूरे जोरों शोरों से चल रही है। पेरेंट्स साफ घर देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। और एबी ने अपने परिवार को कलनरी सरप्राइज से हैरान करने का सोचा। आसान है। लगता है किसी ने रेसिपीज फॉलो नहीं की। अच्छा, डिनर बन गया। ये केक्स मास्टरपीस है। तुम जीनियस हो एबी। मॉम, डैड, आप आ गए। विश्वास नहीं होता। इतनी सफाई। गर्ल्स, तुमने हमें हैरान कर दिया। हमने आपको बहुत याद किया। लगता है पेरेंट्स का ना होना ट्रिपलेट्स के लिए अच्छा रहा। या ऐसा नहीं था।